Assalamualaikum. नमस्कार. जुबली पार्क नशीन कंपाउंड के तमाम मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्रधान नशीन माए और बहने, आज जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो हमेशा आपके हलके को लेकर के, आपके इस वार्ड को लेकर के एक्टिव रहते हैं, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, यहां भाई पितलवाड़ा, सम्मानीय मंच, यहां मैं आपकी बातें सुन रहा था. कुछ वक्त पहले इम्तियाज भाई की बातें सुन रहा था. मैं आप लोगों से 5 मिनट लूंगा, अगर आप लोग बात करेंगे तो बैठ जाऊंगा, अगर आप बात सुनेंगे तो बात करके सुन लूंगा. मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं कि हम अपनी चाहते हैं, हम अपनी चाहते हैं जंग के खिलाफ, लेकिन अगर जंग लाजिम है तो अब जंग ही सही. ऐसा लगता है यहां भाई कि चुनाव दोनों में चल रहा है. झूठ की कहानी सुनाने के लिए लोग आएंगे, आपको गुमराह करने के लिए लोग आएंगे और आपसे कहेंगे, हमारी घड़ी का निशान है, बोलेंगे आपको, बोलेंगे अजीत दादा पवार साहब का चुनाव चिन्ह घड़ी का चुनाव चिन्ह है. लेकिन कभी अगर आप ऐसा आप यहां बोले तो बेटे बैठी हुई मेरी बहनों से, बैठे हुए नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूछ रहे कि यह घड़ी तुम्हारी किसके राइट में है, ये तुम्हारी घड़ी बीजेपी के साथ अलायंस में है, कमल के फूल के साथ में अलायंस में है. कमल का फूल, वो कमल का फूल है जो हमारी शरीयत पे मुदाखलत करता है. कमल का फूल, वो कमल का फूल है. और कोई एक छोटा सा बच्चा था, कोई आगे आ रहे हैं, वो कहता है कि मैं मस्जिदों में घुसूंगा और एक एक को मारूंगा. शमीम खान मीडिया के सामने उसे चैलेंज करता है, आज तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है, एक मस्जिद को घुसेगा, अगर शमीम खान ने तोड़ दिया तो शासन बंद कर दूंगा मैं. मेरे नौजवान बच्चों को उसाने का मत कर, तू राजनीति कर रहा है क्योंकि तू जिस विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहता है वहां तेरी जमानत जब्त होने वाले आने, तू बीजेपी का दलाल है, तू बीजेपी का एजेंट है. लेकिन तुझे कहना चाहता है शमीम खान, कुत्ते भूखते हैं, हाथी चलती रहती है, कुत्तों से हम डरने वाले नहीं है. हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्या बर्दाश्त करेंगे आप लोग, क्या बर्दाश्त करेंगे आप लोग? ये कौन करवाता है? ये बीजेपी सरकार करवाती है. मुफ्ती अहमद साहब, हम एक टाइम भूखा पेट सो सकते हैं, लेकिन हमारे नबी के शान में हम गुस्ताखे बर्दाश्त नहीं कर सकते. कुछ दिनों के बाद इनका सपना है कि महाराष्ट्र में हमारी हुकूमत होगी और महाराष्ट्र की हुकूमत में एनआरसी और सीए लाया जाएगा. आप जानते हैं एनआरसी और सीए क्या है? एनआरसी
एसी और सीए ला करके आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपको बेघर कर दिया जाएगा। हमारे बहनों को लगातार पढ़ने की पाबंदी लगा दी जाएगी, क्या इसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं। अगर से हमारी सरकार बनती है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है, तो यही डॉक्टर जितेंद्र रावत महाराष्ट्र की हुकूमत में होंगे, और जब वो महाराष्ट्र की हुकूमत में होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें हमारा इंसाफ दिलाएंगे, हमें हमारा हुकूमत दिलाएंगे। हमारे हुकूमत के लिए अगर कोई आवाज बुलंद करता है जान भाई, तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र रावत है। हमारे देश हमारे पिता डॉक्टर जितेंद्र रावत आप तस्वीर आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि रावत भाई पीतम वाले ने चलियों पर एक काम किया है। मैंने देखा है गरीब गांव के जाके चालियों के अंदर वहां कॉन्क्रीट किया है, जहां बैठे है यही काम राम भाई ने कॉन्क्रीट किया है। ये डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की मेहनतों का नतीजा है दोस्तों। खड़े हो गए जो मैं चालियों वाले पे लगा गई है डॉक्टर जितेंद्र रावत। हमें हमारा लोग एक एक और बहुत कीमती है दोस्तों। 20 तारीख को अपना कीमती है तुतारी निशान जो बजाता हुआ तुतारी है, बजाता हुआ तुतारी आती है, उस निशान पे अपना कीमती और लेकर के इस लीडर को दिखाइए जो अपनी जान को अकेली में रखकर के आपके लिए काम कर रहा है। मेरा भाषण होने के बाद भाषण भूल जितना चिल्लाना अभी चिल्ला उसका मुझे सही इंसानियत को मान
आता नहीं है, वो अपने दिल में रहती है। हमारा रिश्ता इंसान से इंसानियत का है, धर्म का नहीं है। जब वो चाचा को ट्रेन में मारा तो हम अकेले पहुंचे, हमारे रिफिक कामदार नाम के दोस्त थे, उनको उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, तुम ही कुछ कर सकते हो। हम पहुंच कर हम जो लड़के छूट गए थे उनके ऊपर अधिक कलम लगाए, ज्यादा कलम लगाए, वो आज भी जेल में बैठे। वो तो मेरे भाई थे, हिंदू थे, ये सोच रखी मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि मेरा बाप उस जगह पे होता तो मैं क्या करता। वही काम मैंने किया, मैंने हक के बारे में काम किया और ऊपर वाले को यही मंजूर है, कोई भी हो जिसका हक है उसके साथ खड़े हो। और मैं उम्रा में आके यही सीखा हूं, और मैं मेरे बचपन से यही सीखा हूं कि जात धर्म का कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है सिर्फ इंसानियत। जिसके दिल में इंसानियत नहीं है वो धर्म को हाथ में लेता है। बीजेपी में इंसानियत है के साथ खेलती है। नरेंद्र मोदी क्या कहते थे पहले ही भाषण में, कहा पहले ही भाषण में, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौन, ये कोई बात है? मंगल सूत्र छोड़ने वाले और न जाने क्या क्या बात है, इतनी नफरत क्यों गाते हो? ये तो तकदीर है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने अच्छा वोटिंग किया और उनको 240 पे लाके रख दिया। अगर 400 पार जाते तो आज तक तुम्हारा संविधान गायब हो जाता और तुम्हारा जो शरीयत है उसको निकाल के बाजू में रखते थे। आज आसाम में निकाह नहीं लगाया जाता है, कोर्ट मैरिज करने को बोला है, शरीयत में मंजूर है नहीं। तो शरीयत में हाथ डालने का अधिकार किसने दिया तुमको? अगर महाराष्ट्र में फिर से उनकी ताकतवर सरकार आ गई ना तो तुम्हारे नाम भी लिखा बंद हो जाए, जाओ कोर्ट में लगा मैच। वक्त की जमीनें निकालने का अधिकार किसने दिया उनको? वक्त की जमीनें तो अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने, जिनको इस्लाम धर्म के बारे में प्यार है उन्होंने इस्लाम धर्म पर धर्म की बरकत के लिए जमीन दी थी। तुम इन्हें क्यों कहते हो कि तुम ये जमीन दिए कोर्ट कैंसिल करो, आप जमीने तुम कलेक्टर से लो। हम भाई तुम कलेक्टर से ले, हमारे बाप दादाओं ने मेहनत से कमाई होगी, पैसे से ली हुई जमीने आप जमा कर लोगे, या तुमको किसने दिया? हमको मस्जिद बनानी है, हमको कब्रिस्तान बनाना है, हमको मदरसा बनाना है, हमको इस्लाम स्कूल बनाना है, वहां जमीनें कहां से आएगी? अरे आप 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाते लाते मुझे 12 साल लगे, 12 साल। थोड़ी ताकत बढ़ गई तो ये पिछले बाजू का कब्रिस्तान है। आदि फिराकी नाम का हमारा दोस्त है, उसने मुझे अर्जी भी की थी तो उसको जवाब आया कि सब काम हो गया, पढ़ा 2 दिन में हम उसे लेके आपको कब्रिस्तान तैयार है, मोहिम मियां उसको शुरू कर, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। विशालनगर पे हमला हुआ, लोग पकड़े गए? तो पकड़े गए क्या? उसके बाद नीचे उतरे, गजापुर की मस्जिद चढ़ गई। तुम गजापुर के हो क्या? अरे वाह, एक बड़ी गाल मिल गया, ऐसा है मोहरा, दुनिया के किसी भी कोने से एक आदमी यहाँ पे रहता है। ये गजापुर नाम का गांव है, जरा ऊपर आओ, ये गजापुर नाम का गांव है, ये कोल्हापुर में
लेकिन कोंकण के नजदीक है, ये आया हुआ है। ये शाहूवाड़ी नाम का जिला है, उधर का है। शांतदास जी ने कहा इतने कभी हिंदू मुसलमान झाले 400 साल में उधर कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, और हर गांव में 80% हिंदू है और 10-12% मुसलमान, पर कभी हिंदुओं ने वहां धारा नहीं दी। वो शाहू महाराज के हिंदू है, ये शाहू महाराज को बराबर बेचता हूं। जिसने कोल्हापुर का पानी पिया है वो शाहू महाराज को कभी नहीं भूल सकता। इस देश में सेक्युलरिज्म लाने वाला पहला आदमी कौन था? शाहू महाराज। मैं उसमें नहीं जाता हूं। विशालगढ़ के आदमी कलेक्टर को बताया था कि कुछ होने वाला है, वो बताया कब था? 5 जुलाई को। भारत तारीख को पुलिस स्टेशन में जाके बताया कुछ ना कुछ होने वाला है। विशालगढ़ चंडी में ऐसा है, ऐसा रास्ता एक है, एक ही रास्ता है। जब पुलिस को लोग बता रहे छोड़ने वाला है तो पुलिस ने क्या कर देना चाहिए? नाकाबंदी? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। 100-200 लोग ऊपर चढ़ गए और सुबह होते ही पूरा दरगाह जो 1300 साल पुराना था उसको तोड़ नीचे उतरे और वो मिर्जापुर गांव में गए और वहां जाके मस्जिद तहस नहस कर रहा है। यार खुद को किसके दिया? पकड़े गए कोई कोई चाचा को मारा, वो तो हम मां थे इसलिए वो जेल में बैठे। नबी के मामले में जिन्होंने गुस्ताखी की उस गंगागिरी महाराज को पुलिस ने बुलाया, बुलाया गया ऊपर से क्या कहा गया कि इसके बाल को भी धक्का नहीं लगाने देंगे। अरे हम उसके बाल को धक्का नहीं लगाना चाहते हैं। जो भारत का कानून है, जो संविधान ने बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला है कि जो भी धर्म के नाम पे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा उसको तुरंत ताबे में ले। हम नहीं बोलते ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। वो टिल्लू राणे बोलता है मस्जिद में घुस के गोली मार दूंगा, तो कितना द्वेष फैलाने वाले आदमी को आप हिरासत में नहीं लोगे? नहीं लोगे क्या? ये महाराष्ट्र ने नबी के बारे में कभी नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था। ये महाराष्ट्र की भूमि ऐसी है कि हमारे जो सबसे बड़े संत थे संत तुकाराम, उन्होंने जो किताबें लिखी थी उसमें 4 पन्ने अल्लाह के ऊपर है, नबी के ऊपर है, और उन्होंने कहा था अल्लाह खिलावे अल्लाह दिलावे, यानी अल्लाह खिलाता भी है अल्लाह दिलाता भी है। 500 साल और ये स्टेज पे आता है और ऐसा, और इसके पीछे इस राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हुए। मैं आपको कसम देता, कसम से कहता, हमारी सरकार बनाओ, इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ, ऐसे नफरत करने वाले, किसी भी धर्म से नफरत करने वाले बाहर चलने रस्ते पे चलते हुए नहीं देखेंगे, वो 12 घंटे में जेल चले। इस देश में खत्म पहले क्या करनी है, इस देश में पैदा हो रही नफरत, नफरत के सामने, नफरत के दुकान के सामने हमें प्यार का मॉल खोल देना है, क्योंकि नफरत करने वालों की सोच बहुत छोटी होती है और प्यार करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं तो कहा जाता हूं हमेशा, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। नफरत फैलाने आया हूं क्या?
क्या फायदा? अरे प्यार से बात करो, क्या बोला है देश में? नाम पूछा अहमद मारकाम के नीचे, गाड़ी में जाता है घुसता है वो एक खबरदार, जिसको जिसको टोपी दाढ़ी दिखता है टैक 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 चार लोगों को मार देता है। तो एक तभी इंस्पेक्टर था जो रोकने की कोशिश करता है ना, उसको गाली गोली मार देता है। और फिर हमारी पुलिस क्या कहती है, रेलवे पुलिस कि नहीं वो पागल था, तो पागल अपनी को ड्यूटी पे रखते क्या? मैं पहले ही बोला वो पागल नहीं था, उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत थी, इसलिए उसने चुन चुन के मुसलमान दिया। मेरे ऊपर बहुत तरसी हो। 4 महीने के बाद हॉस्पिटल ले गया था कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई मानसिक व्याधि नहीं है, ये बिल्कुल सीधा साधा चलने वाला अपना भेजा जगह पे रखने वाला इंसान है। पर पहले तो आपने केस दबा डाली ना, ये तो डॉक्टर ने आपकी सुनी नहीं और कहा कि सच्चाई के बाजू से खड़ा होगा, ये आदमी पागल नहीं है, इसने जानबूझ को मुसलमानों को गोली मारी। पहला बात करने वाला कौन था? मैं। बात करने वाला कौन था? ये गजापुर की मस्जिद तोड़ी गई। बात करने वाला कौन था? ये नबी के बारे में बोला गया। यहां पर उलमाओं के साथ उलमाओं तकरार करने जा रहे थे, एफआईआर करने जा रहे थे, बाजू के घोड़ी में खुची डाल के मैं बैठा था, 6 घंटे बैठा था, 6 घंटे मैं लीडरों के जैसे जाके चला जाता था, क्या फर्क पड़ता है? जब तक एफआईआर नहीं हुआ उलमाओं का, तब तक मैं हिला नहीं वहां से। जब एफआईआर मेरे हाथ में आया, मुझे पड़ा, अब तक मैंने जगा चुका। ये हमारे कुछ घटियाला वाले आपके पास आएंगे। एक जमाने में ये जो पार्टी लेके घूम रहे हैं, वो पार्टी किसकी थी? जरा जोर से बोले, किसकी थी पार्टी? किसकी? शरद पवार ने बच्चे को जन्म दिया, उसको पाला, उसको पढ़ाया, उसको इज्जत मिला के भी। और एक दिन आधी रात में उनको घर से धक्का मार दिया और जाते जाते उसके हाथ से घड़ी ऐसे छीन ली। हम घड़ी छीन, जब ट्रेन में छीनी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाकिट मार। और ये जो घूम रहा है ना आपका बच्चा है पाकड़ बिल्ले, ये पाकिट मारों की टोली है। और उनका बस्ताद कौन है? अजीत पवार। मेरे ऊपर आज सुनील का टीवी में बहुत तंज कसा गया है कि जितेंद्र और पाकिट मार हमारी बंबईया भाषा है, बंबईया भाषा में जब खींचा जाता है तो हम उसको पार्टी के बारे में बोलते हैं। अरे मैं तो बोलू तुमने हमारी पार्टी चुराई, तुम तो डाकू हो, डकैत हो, डकैत। साहब, साहब की उम्र 85 है, 85 है, 85। अगर आपके दादा की उम्र 85 हो, मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, तो आप अपने दादा को कोई घर से निकाल देगा तो आपको अच्छा लगेगा? जोर से बोलो, दादा से प्यार कर। ये भतीजा जिसको 40 साल साहब ने संभाला, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, 5 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, वो एक दिन हमारे साहब को घर के बाहर कर लेता है, पार्टी खींच लेता है, गरीब खींच लेता है। मैं उसको डाकू और पाकिट मार बोलू तो कुछ गलत बोल रहा हूँ? आप हाथ उठा के बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ। अभी बोले बोले जितेंद्र आवाज को जवाब अब मुमरा जाते देखे। अरे कौन पूछता है तेरे को? ये जितेंद्र आवाज किसी के बाप से नहीं रहता है, किसी के बाप से
डरता हूं तो ऊपर वाले से और मेरे शरद पवार से, जिसको मैं बाप समझता हूं क्योंकि मुझे मां बाप है। जब मैं उनके ऊपर वाल हुआ तब बटन खोल के महाराष्ट्र में कौन खड़ा था? जितेंद्र आव्हाड। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फायदा और नुकसान क्या है। मैं अगर बीजेपी में चला जाता तो मुझे भी अच्छी मिनिस्ट्री मिलती, लेकिन उसोलों से हिलना नहीं चाहिए। ये रास्ते बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, रास्ते बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, लाइट आ सकती है, जा सकती है, पानी आ सकता है, जा सकता है, फिर से बन सकता है, लेकिन जिस दिन इस देश की विचारधारा बदल गई, आप यकीनन मान लो कि ये देश हमारे और तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हमको ये देश अगर बचाना है तो बीजेपी के विचारधारा को रोकना पड़ेगा। और इसलिए नबी क्या फरमाते हैं, ये जालिम और जुल्म दोनों का मुकाबला करो, से खत्म करो। आपको पूछा जाएगा कि जब जुल्म हो रहा था और जालिम का मारने का हथियार तुम्हारे हाथ में था तो तुमने क्या किया? तो तुम आपसे बोलोगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया हुआ हथियार हमारे पास था, वो क्या था? वो हमने वोट देके जालिम और जुल्म को खत्म करने का काम किया। आपको वोट देना पड़ेगा और सेक्युलरिज्म को बचाना पड़ेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना तुम्हारा फर्ज है। जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें धर्म का स्वातंत्र्य देता है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। अपने फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकारों में लिखा गया है कि राइट टू रिलीजन आपको दिया गया है, यानी आपके धर्म में जो भी कानून है उसको पालने का स्वातंत्र है। तो ये कैसे आ सकते हैं आपके शरीर के बीच में? ये संविधान को हटाने चले गए। पर आप लोगों ने जिस बेदारी से वोटिंग की उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, यहाँ का मन पसंद हिंदू जो 90% 80% है, ये हमेशा कहते हैं वो जिया हुआ, वो जिया हुआ। अबे चंद्रपुर में कितने मुसलमान है? कितने मुसलमान है? नासिक में कितने परसेंट मुसलमान है? दिंडोरी में कितने परसेंट मुसलमान है? गढ़चिरौली में कितने परसेंट मुसलमान है? रामटेक में कितने परसेंट मुसलमान है? जवाब दो। लोगों का माथा भड़काने के लिए मत बोलो। तुमको अमन पसंद हिंदुओं ने भगा दिया। अगर अमन पसंद हिंदू चाहते तुमको तो जिस जगह पर राम मंदिर बनाया गया है वो अयोध्या तुम जीत लेते, पर अयोध्या के हिंदुओं ने भी देखा कि तुम राम का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो, उन्होंने भी भगा। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये जो आ रहा है आपके पास ये सब पाटिकमार, मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने हमेशा आपकी लखनऊ की लड़ाई लड़ा, मुझे डेवलपमेंट मत सिखाओ इसका, डेवलपमेंट इस शहर को। मैं सबको पूछना चाहता हूं कि आपको 15 साल में मोमड़ा पत्ता हुआ नजर नहीं आता है? आप बताओ कि मोमड़ा पत्ता है कि नहीं पत्ता है? हाथ उठा के बताओ। ये जवाब है। तो शहर तो बदलता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन उसको संभालने का काम अपना है। हम महाराष्ट्र में अमन और शांति के लिए चाहते हैं और इसलिए इंडिया अलायंस के सभी लोगों को जिता करके सत्ता में बिठाओ। मुझे भी आपका वोट चाहिए। तुतारी का बटन बताओ और आपके घर का जितेंद्र आव्हाड विधानसभा में पहुंचाओ। इतना ही कहता हूं।